नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हेल्थ रेमेडी। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जटिफाल्या के बारे में, जायफर जिसको बोला जाता है। काफी सारे लोगों को अपने बच्चों को या फिर काफी सारी फीमेल्स अपने बच्चों को चाटने के लिए देती हुई है जब वो उनके दांत वगैरह निकलते हैं, उसी की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कितना आपको कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, कितना आपके बच्चों के लिए सही है और इसके क्या है गुण कर्म, किस नाम से और भी जाना जाता है, किस स्थान पे ये मिलता है और किस तरीके का इसका है स्वरूप अगर आपके आसपास अगर ये कहीं भी है तो। जी दोस्तों, तो इस सारी बातें और मार्केट में इसके क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप उनको खरीद सकते हैं, किन नाम से वो बिकते हैं, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में डिटेल में करूंगा और इसको बताऊंगा। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जातफल के बारे में। जातफल एक बहुत ही अच्छी और गुणकारी औषधि है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये गंध युक्त यानी कि इसमें से एक सुगंधित गंध आती है जो बहुत ही लाभकारी है। जी दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ इसकी लैटिन नेम की, यानी कि मेरिस्टिका एरेग्रास बोला जाता है और मेरिस्टेट्रेसी इसकी फैमिली है। जी दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं इसके गुड़ की बात करूँ तो ये लघु होता है, यानी कि आराम से पच जाता है, पीछड़ होता है, आपके स्रोत वगैरह में इजीली ही बॉडी में हर जगह फैल जाएगा। रस की बात करूँ तो तीखा होता है, ये तिक्त होता है, विपाक इसका कटु होता है और बीरे इसका ऊषोड़ होता है। अगर आप इसको लेते हैं जायफर को, तो इससे आपके शरीर में गर्माहट आएगी, उष्णता लाएगा। इसका और भी कई नामों से जाना जाता है, जातिफला, जायफर और भी बोला जाता है, नट मैग ट्री भी बोला जाता है, इंग्लिश वर्ड इसका नट मैग ट्री है। जी हाँ दोस्तों, स्थान मैं बताऊं, दक्षिण भारत में किसी भी जगह पे आप देखने को जाएंगे तो वहां पे ये मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में सबसे ज्यादा ये मिलता है और इसमें जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं वो है वोलेटाइल ऑयल और मिस्ट्रिक एसिड और बटरनिक मिसुमैग मिस्रो मैग, ये तीन चार कंपाउंड है और ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब मैं बात करता हूँ ये दिखता कैसा है पौधा। ये 30 से 40 फीट का पौधा हो जाता है, एक पौधा में पूरा वृक्ष होता है ये, और इसके जो पत्ते होते हैं वो आयताकार होते हैं, लंबे थोड़े से, और इनके 2 से 3 इंच का पत्ता होता है और ये स्टार्टिंग में बहुत ही कोमल और सॉफ्ट होते हैं और अच्छा दिखने वाला है ये पौधा, इसीलिए इसको जायफल बोला गया, क्योंकि गंध बहुत अच्छी आती है और सुगंधित होता है ये पौधा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसके पुष्प की, तो पीले कलर के पुष्प इस पे देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ज्यादा इसके फल बड़े नहीं होते और इसी तरीके से इसके फल स्टार्टिंग में हरे होते हैं लेकिन पीले हो जाते हैं पकने के बाद, और जब इसके बीज होता है वो लाल रक्त वर्ण का होता है और इसके बीज जब एक बार ये पक जाता है फल, तो उसके बाद ये अपने आप ही अपने बीज को छोड़ देता है, फल यानी कि फट जाता है इसका बीज। अगर मैं बात करूं प्रयोग लाने वाली अंग, कौन कौन सा अंग इसका प्रयोग आता है औषधि के रूप में, तो वो है बीज और कोष, दोनों ही इसके लाए जाते हैं। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो उसका चूर अगर आपको मिल जाता है मार्केट में तो 1 से 2 ग्राम लेना है, तेल अगर मिलता है तो 1 से 3 बूंद तक आपको लेना है औषधि के रूप में। अगर मैं बात करूं योग, तो जातिफलादि चूर्ण और जातिफलादि बट्टी, ये 2 मार्केट में मिल जाएंगी। अब मैं बात करता हूं किन के रोगों में ये काम आता है। यह दोस्तों, तो सबसे पहले कफ और बात, यानी कि अगर आपको कफ है, खांसी जुखाम है, तो वहां पे कफ होगा तो कफ से रिलेटेड जो भी डिजीज होंगी उसके लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है। बात यानी कि आपके वायु होगी, वायु का मतलब बात होना, और बात यानी कि दर्द, यानी कि सर में दर्द, आपकी मांसपेशियों में दर्द, या फिर मैं बात करूं संधियों में दर्द यानी कि जॉइंटों में दर्द, अगर इन कहीं पे दर्द होता है तो वहां के लिए बात यानी कि वायु से रिलेटेड जो भी डिजीज होगी उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। यहां तक कि देखा गया है कि आपके जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो जो दांत निकलने की वजह से बच्चों के पेन होता है या फिर उनको लैटिंग वगैरह होने लगती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। काफी सारी फेमस बहुत ही पुराने जमाने से इसको यूज भी किया जाता है। जी दोस्तों, सोथहर यानी कि दर्द को कम करता है, अनिद्रा यानी कि जिन लोगों को निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती है, उन लोगों को शाम को जायफर
यानी कि शाम को वो जायफर घी और के साथ मिक्स करके अगर दिया जाए चीनी के साथ, तो उनको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। जी दोस्तों, अगर मैं बात करूं रोचन अंतलाता दीपन, यानी कि आपकी अग्नि को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, पाचन है, और मल दुर्गंध, यानी कि जिनको लैटिन में बदबू या पाक वगैरह जो ज्यादा लोग छोड़ते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, तो वो जायफल ले सकते हैं। उससे क्या है कि आपकी जो दुर्गंध है या पसीने में बदबू आती है वो खत्म हो जाएगी। ये दोस्तों, और भी पीनस, जुखाम, खांसी, श्वास, या फिर मैं बात करूं हिक्का, हिचकी वगैरह बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर मैं बात करूं इसके काले घेरे, जिन लोगों के आंखों पे काले घेरे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को देखने को मिलता है काले घेरे, ये तो वो फीमेल्स या फिर मेल्स किसी के भी होते हैं, तो वहां पे क्या करना है, इसको का जो पेस्ट होता है, क्या है, इसको इसके भी चूड़ को घिस लें, या चूड़ मिल जाए तो चूड़ घिस लें, अगर इसकी बड़ी मिल जाए तो उसको घिस लें, अगर बीज मिल जायफर मिल जाता है मार्केट में तो उसको यहाँ पे लगाने से उसके जो काले घेरे हैं 5 से 8 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि है इस चीज में अगर देखा जाए तो। अगर मैं बात करूं और भी, जिन बच्चों के दांत वगैरह निकलते हैं, बायो हो जाती है बच्चों के, देखने को मिल जाता है दांत की वजह से लैटिंग वगैरह बहुत ज्यादा जाने लगते हैं, उस टाइम ये जायफर सुबह सुबह चटाने से जो जो फीमेल्स चटाते हैं वो बहुत ही लाभकारी औषधि है यह। जी हाँ दोस्तों, आम अतिसार, अगर अतिसार हो जाता है किसी को, लैटिंग वगैरह होने लगती है, तो वहां पे भी ये बहुत ही अच्छी औषधि है। या दोस्तों, वो लोग इसको क्या करना है, 2 से 3 बार जायफर का पानी पीना है। अगर चूड़ मिल जाता तो 2 से 3 बार इसका काढ़ा बना लेना, चूड़ का काढ़ा नहीं बना सकते हो तो सीधा चूड़ डाल के पी लो, ओ तो उससे भी ये जायफर का जो रोग है, मतलब आपको लगा लैटिंग वगैरह होती है तो वो सही हो जाती है। ये सारे रोग मैंने आपको बताए, एक जायफर के इतने सारे यूज मार्केट में, जायफर आपको किसी भी पंसारी के दुकान पे मिल जाएगा, और इसके जो आयुर्वेदिक जो योग मैंने आपको बताए कि आपको किस किस फॉर्म में मार्केट में भी मिल जाएगा, तो वहां से लेके खरीद के आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और मुख्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो ला कर रहा हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।